फ्रेंड्स, तांडव वेब सीरीज पर कई विवाद खड़े हुए, कई स्टेट्स में एफआईआर दर्ज की गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, हालांकि राहत नहीं मिली। लेकिन अब मामला सामने आया है 50 सवालों का, जिसके 8 के ही जवाब दे पाई। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बता दूं। खबर यह है कि तांडव वेब सीरीज के अमेजन प्राइम के इंडिया हेड से यूपी पुलिस ने 3.5 घंटे पूछताछ की, 50 सवाल रखे उनके सामने, लेकिन 8 सवालों का ही जवाब दे पाई, ये खबर आ रही है। विवाद के चलते मामले में अमेजन प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित से मंगलवार को पुलिस ने पूछताछ की थी। वहीं अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली पहुंची। तकरीबन 2 बजे अपर्णा पुरोहित कोतवाली पहुंची और 5:40 पर बाहर निकली। वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट पास करने को लेकर पूछे गए सवालों का अपर्णा ने जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की टीम के नेतृत्व कर रहे अनिल कुमार सिंह ने 50 सवाल अपर्णा पुरोहित के सामने रखे, 8 का ही वो जवाब दे पाई। उन्हें 8 मार्च को दोबारा बुलाया गया है। वेब सीरीज दिखाकर आपत्ति वाले सीन्स पर सवाल जवाब। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने अपर्णा से पहले सवाल पूछा कि वेब सीरीज पास करने से पहले उसका कंटेंट चेक क्यों नहीं किया गया। इस पर अपर्णा पुरोहित ने कहा कि सभी कंटेंट हमारी स्पेशल टीम पास करती है, इसके बाद हम उसे आखिर में मंजूरी देते हैं। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि मंजूरी देने से पहले वेब सीरीज में किसी भी धर्म, समुदाय, जाति विशेष को लेकर कोई आपत्तिजनक सीन देखे बिना कैसे पास कर दिया गया। अपर्णा यह कहते हुए इस सवाल को टाल दिया कि इस बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। लगातार 4 सवालों के बाद अपर्णा पुरोहित अगल बगल देखने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। सूत्रों ने बताया कि अपर्णा पुरोहित सिर्फ 8 सवालों का ही जवाब दे पाई। पूछताछ के दौरान उन्हें वेब सीरीज दिखाई गई, इसमें प्रधानमंत्री और यूनिवर्सिटी में गुम हुए लड़के और भगवान शिव वाले सीन पर सवाल पूछे गए। इस पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इस दौरान वो बैग से रुमाल निकालकर माथे से पसीना पोंछती रही। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, मैं कुछ नहीं बता पा रही हूँ। 8 मार्च को फिर पूछताछ करेगी पुलिस। 17 जनवरी को दर्ज मुकदमे में अपर्णा पुरोहित का पहला नाम है। अपर्णा ने अमेजोन इंडिया के लीगल एडवाइजर के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक केस खारिज कराने की अर्जी लगाई थी, लेकिन सभी जगह अर्जी खारिज हो गई। अमेजोन इंडिया ने सोमवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में केस खारिज किए जाने की अर्जी लगाई थी। इसमें सिंगल बेंच में सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार दोपहर तक उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इससे पहले पुलिस टीम ने मुंबई जाकर वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु, राइटर और गौरव सोलंकी बयान दर्ज करा चुके हैं। 18 जनवरी को दर्ज हुई थी ये FIR। तो FIR में अमेजोन प्राइम इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित, तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और राइटर गौरव सोलंकी को आरोपी बनाया गया था। तो फिलहाल 8 मार्च को दोबारा सवाल जवाब होंगे। देखते हैं कि कितने सवालों का कितना जवाब दे पाती हैं अमेजोन प्राइम हेड इंडिया, ये देखना और समझना होगा। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।